मैं आपको ना गारंटी देता हूँ, ऐसा यूट्यूब में आज तक किसी यूट्यूबर ने गारंटी नहीं दी। मैं गारंटी देता हूँ, क्यों मैंने हमारी MT-15 को ही परचेज करा ओवर ड्यूक 200 एंड ओवर NS-200। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके जाना एक काइंड ऑफ कंपैरिजन बोल सकते हो आप, ये ऐसी वीडियो है कि आपको क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है कि मैंने इसी को परचेज करा ओवर ड्यूक 200, क्योंकि जो मुझे मेरा बजट अलाउ कर रहा था ओवर NS-200। तो क्यों आपको 2023 में हमारी MT-3 को या MT-2.0 जो हमारा न्यू मॉडल आ रहा था उसको क्यों परचेज करना चाहिए, क्या रीज़न है भाई। तो मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आप इसको परचेज कर सकते हो। मैंने हमारी MT-15 को ही परचेज करा ओवर ड्यूक 200 एंड ओवर NS-200। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ड्यूक की। तो भाई देखो, ड्यूक मैंने क्यों परचेज नहीं करी, मेरा बजट ना अलाउ कर रहा था कि मैं ड्यूक को भी परचेज कर सकता हूँ। मेरा बजट ड्यूक 250 तक को परचेज करने का था, ठीक है। तो देखो भाई, ड्यूक का पहला रीज़न तो मेरा ये था क्योंकि ना देखो, ड्यूक अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और ना ड्यूक को एक ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो उसको ना उसका एक बोल सकते हो एरा भी चल गया, उसको ना फेम में लॉस हो चुका है काइंड ऑफ। मतलब उसमें छपरी जब से टैग आ गया है ना तो उसकी गुडविल ख़राब हो चुकी है। दूसरी बात, उसकी ना सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो मुझे पॉकेट फ्रेंडली हो, तो इसलिए मैंने वो ड्यूक को परचेज नहीं करा। अगर उसके आप नॉर्मल सर्विस भी करवाओगे ना भाई तो सर्विस काफ़ी कॉस्टली आती है, 3000 के अराउंड आती है, 3000-4000 के अराउंड उसकी सर्विस पड़ती है। और तीसरी चीज़ है उसके माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा उसका ना, मतलब बोल सकते हो भाई 30-35 का आता है। और भाई इतना माइलेज मैं चाहता नहीं था, क्योंकि जब भाई हम एक मिडिल क्लास लोग हैं तो हम चाहते हैं ऐसी गाड़ी हो जिसका भाई लुक भी हो माइलेज भी हो, तो इसलिए मैंने ड्यूक को परचेज नहीं करा, मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया। वहीं बात करें NS की, तो NS तो मेरे को भाई इससे भी 10-20 हज़ार रुपये सस्ती मिल रही थी। NS मिल रही थी मेरे को 180 के अराउंड की, बट मैंने NS को कोई नहीं परचेज करा। देखो NS आपने देखो, जब से BS-3 आ रही है, BS-4 आ रही है, सेम लुक आ रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा। और वहीं बात करें आज के टाइम पे NS 125 का भी सेम लुक है, 160 का भी सेम लुक है, 200 का भी सेम लुक है, तीनों का इनका सेम लुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे एक नेगेटिव लगा था NS का, जो मुझे लेने से थोड़ा ना कर रहा था। उसके बाद जो NS का दूसरा नेगेटिव मुझे लगा था वो है कि ना उस गाड़ी में ना मतलब प्रीमियमनेस नहीं है। क्योंकि यार देखो, अगर आप एक मैं बताता हूँ भाई, अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो, मेरी फर्स्ट बाइक थी, ठीक है, और भाई मुझे अपने बजट में रह के और मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जिसका लुक से लेकर और गाड़ी काफ़ी प्रीमियम सी हो। वहीं बात करें NS में, अगर आप थोड़ा हैवी भगाओगे, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने राइड रिव्यू डाला होता अपने चैनल, तो वाइब्रेशन आ रही थी मुझे जब जो है मैंने लक्की भाई की गाड़ी NS ली थी, जब मैंने उसका राइड रिव्यू करा था उसमें मुझे ना वाइब्रेशन आ रही थी, तो मुझे काफ़ी बेकार लगा उसमें यार, प्रीमियमनेस फील नहीं हुई। क्योंकि यार अगर मैं मान के चलो 186 तक की मुझे NS पड़ रही थी। वहीं बात करें हमारी MT की, ये मेरे को 2 की पड़ी थी, 2 लाख के अराउंड की पड़ी थी, 198 की पड़ी थी मुझे, 2 ही मान लो आप, ठीक है। तो इतने की ये बाइक लेने के बाद भी, लेकिन इस बाइक में क्या क्या फ़ायदा है मैं आपको इसके ना कुछ पॉजिटिव बताता हूँ। मैं आपको ना गारंटी देता हूँ, ऐसा यूट्यूब में आज तक किसी यूट्यूबर ने गारंटी नहीं दी। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने MT-15 ले ना भाई, आप पछताओगे नहीं, रिग्रेट नहीं करोगे आप भाई। वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, क्यों है कुछ रीजन है तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, पहला रीजन तो गाइस वो है इसके मॉन्स्टर लुक। इसके लुक देखोगे ना भाई, इसका लुक बहुत क्लियर, और इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करवाओगे, जैसे कि मैंने नॉर्मल से तो वाइजर मॉडिफाई करवा रखा है, इसका फिन हो रखा है, ये एयर डक लगा रखा है, इससे गाड़ी का ना लुक काफ़ी एनहांस होता है। और अगर आप इसमें टेपिंग करोगे, इसमें टेपिंग के भी ना मतलब आप बोल सकते हो आप पे 100 ऑफ ऑप्शन है, इसमें टेपिंग करा के ना आपकी वन ऑफ अ काइंड जैसे गाड़ी होती है ना, एक लॉक की बन जाएगी पूरी यहाँ पे इंडिया में, अगर आप एक बहुत अलग तरह की टेपिंग कराओगे। तो पहला तो हो गया इसका मॉड्स एंड लुक्स इसका बहुत प्यारा है। दूसरी बात करते हैं भाई, वो है यामा का इंजन। आपको बताता हूँ, यामा का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल, भरोसेमंद होता है। आप RX 100 को देख लो, आपके पापा और का क्रश रहा होगा एक टाइम पे, वो ऐसी गाड़ी थी। और भाई आज के टाइम पे MT लोगों का क्रश है, MT और R15, क्योंकि भाई वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। इसका इंजन की परफॉर्मेंस है ना, यामा का इंजन रिलायबल होता है, भरोसेमंद, लॉन्ग टर्म तक चलता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी, इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है गाइस, ये है एक बजट फ्रेंडली बाइक एंड आपकी मतलब सॉरी पॉकेट फ्रेंडली बोल सकते हो आप। पॉकेट फ्रेंडली कैसे है, इसको ना अगर आप फुल थ्रॉटल में चलाओगे, अगर आपने इसका माइलेज टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप माइलेज टेस्ट वाली वीडियो देखना, जो मैंने विद पिलियन विकास भाई के साथ करी थी, जो हमारे कैमरे के पीछे, इनके साथ मैंने इसका माइलेज टेस्ट करा था। इनने मुझे 50+ का माइलेज निकाल के दिया था, 51-52 प्लस का ही माइलेज निकाल के दिया था विद पिलियन। मैंने पहाड़ में भी चलाई थी, मैंने प्रॉपर चलाई थी, आप वीडियो चेकआउट कर लेना। वही बात करें भाई, इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है, फुल थ्रॉटल में भी चलाओगे आपको 45+ का माइलेज देगी, तो भाई और क्या चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस ये 200 cc की, ये बस कहने के लिए 155 cc, लेकिन जो इसका परफॉर्मेंस निकाल के देती है ना, ये 200 cc की गाड़ियों को टक्कर दे। जब ये आप सिटी में चलाओगे ना, इसको मनूवर करना इतना आसान है, कंट्रोलिंग और थ्रॉटल मास्टर ऑफ टॉर्क। MT का मतलब होता है मास्टर ऑफ टॉर्क, मतलब इसका इनिशियल गॉड है, एकदम गोली भागती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्विस कॉस्ट, इसकी बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है भाई, सर्विस कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ेगी आपको।
मतलब आपके इजीली सर्विस 2000 रुपीज़ के अंदर हो जाएगी। इजीली बता रहा हूँ, 2000 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपकी 1800 to 1500 की सर्विस हो जाएगी, ठीक है। और लुक्स में गाइस देखो, इसका वन ऑफ द बेस्ट लुक है। हाँ, कुछ कमियाँ हैं वो मैं मानता हूँ कि भाई इस गाड़ी के अंदर कमियाँ हैं, जैसे मेरी वाली में ABS नहीं था, लेकिन जो न्यू वर्जन 3 आ रही है ना, उसके अंदर ABS की प्लेट दे दी। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा तो रिव्यू भी चेकआउट कर लेना, मेरे चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है भाई, उसके ऊपर सारी वीडियोज़ बना रखी है, चैनल पर चेकआउट कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ कमियाँ होती है भाई, वो हर गाड़ी में कमियाँ, वो कोई सी भी गाड़ी नहीं जो परफेक्ट है भाई। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, आप में से भी भाई, हमें कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, हमको ही पता होती है। परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन भाई मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ भाई, मेक श्योर कर रहा हूँ, इस गाड़ी को लोगे ना भाई पछताओगे नहीं, क्योंकि भाई मैंने ये गाड़ी देखी है भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन में कि मैंने सोच समझ के ये गाड़ी ली थी, और मैं खुश हूँ कि मैंने इसको हमारी NS200 से ऊपर चूज़ करा था, और मैंने इसे Duke 200 से ऊपर चूज़ करा, और भाई मेरे लिए ये डिसीजन बिल्कुल मैंने वर्थ इट करा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया मैंने। और आप लोग को भी चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह सही डिसीजन लो और MT को परचेज करो, आप पछताओगे नहीं भाई। कहने के लिए 150 cc की गाड़ी, लेकिन गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है टॉप नॉच। लुक्स में देख लो भाई, 50 बंदे देखते हैं, अगर आप कहीं नए इलाके में जाओगे ना, इसके लुक्स से लोग कभी भी इंप्रेस हो जाते हैं। और भाई इतना था वीडियो में, अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।